रीवा में लौर थाना के अंतर्गत दौलत नगर में राह चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी सत्येंद्र वासदेव निवासी पिपराही को ग्रामीणों ने खम्भे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। वहीं दो घंटे के लगभग चले हंगामे के बाद आरोपी सत्येंद्र वासुदेव के परिजन दौलत नगर गाँव पहुंचे और ग्रामीणों के द्वारा खम्भे से बंधे गए सत्येंद्र को छुड़ाया और वहां से भाग निकले, जिसकी सूचना पुलिस 100 डायल को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों की माने तो खंभे से बंधा गया सत्येंद्र वासुदेव किसी किशोरी के साथ संदेहास्पद परिस्थिति में एक सुनसान जगह पर देखा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पहुंचकर दौलत नगर लेकर उसे पहुंचे, जहाँ खंभे से बांध कर उसकी धुनाई कर दी। पूछी थी जब देखे तो भाग गए। इतना लड़का रहे सब झूठ बोल रहा है। हम नहीं रहे, नहीं रहे महुआ थे, नहीं रहे महुआ थे, बताओ नहीं रहे, नहीं रहे महुआ थे, बताओ महुआ नहीं रहे। हम कैसे चले अब बताता है, महुआ नहीं रहे हैं, चिन्हा थे इके आए बता ना। जब नहीं चिंते तो काहे गए रहे महुआ दाई, काहे गए तो काहे गए रहे, काहे गए रहे तू पाजी करे तब काहे गए रहे, कुछ काम रहा हूं ना थोड़ा दे ए सब हाथ हाथ ना छोड़, जा जा बगल हो जा सीधे हमारे बिना दे दे वहीं नहीं अपने दे दे पानी दीने सीधा सड़के 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 से सीधे बिटिया हमार जो चली जाई कहां कहां गाड़ी तो नहीं सीधे पहले हुआ चला रोड पर पे हुआ रोड पर रोड पर जा जाओ सब लोग रोड पर चले जा हम चले जा रोड पर चले जा हमारे बिता ले भगवान के सीधे जा दादी बताई हम मां बताई तो हम तो हम चल भाई ना से दादू तो हां शिकायत मिला रोड पर देखो मजा ये लौर थाना क्षेत्र में कल इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ कल की ये जानकारी है। थाना प्रभारी कहना है कि एक लड़का है जो एक लड़की थी 14 साल की, उसको लेके नाले की तरफ जा रहा था, परिजनों ने देख लिया तो पीछे पीछे आया तो परिजनों ने पकड़ लिया, वो उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई पुलिस ने पुलिस को, तो पुलिस 100 डायल जब पहुंची मौके पर तब तक क्या हुआ था कि लड़के के परिजन लड़के को छुड़ा के ले गए थे। उस परिवार की रिपोर्ट पर लड़की पक्ष के परिवार की रिपोर्ट पर से 354 का प्रकरण पुलिस ने कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हाँ इस तरह का भी क्या, क्योंकि आरोपी मिला नहीं, थाने आ नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जैसी रिपोर्ट आती है तो कार्रवाई करेगी।